ऐसा प्लास्टर कैसे बने जिसकी मजबूती सालों साल सुंदर दिखे? दीवार की मजबूती आज नहीं तो कल दिखी जाती है, पर मजबूती जो सुंदर दिखती रहे। आइए जाने बेहतर प्लास्टर बनाने और लगाने का सही तरीका। मजबूत घर के मजबूत आधार, अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ। मजबूत प्लास्टर की शुरुआत होती है सही मटेरियल से, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट और एकदम साफ रेत, रेत जो मुट्ठी से फिसले ना कि मुट्ठी में चिपके। रेत और सीमेंट का सही मिक्स भी जरूरी है। ये मिक्स प्लास्टर कहां इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से तय होना चाहिए। एक भाग सीमेंट, चार भाग रेत बाहरी दीवारों और सीलिंग के लिए, और एक भाग सीमेंट, पांच भाग रेत अंदर की दीवार के लिए। अंदर का प्लास्टर 12 mm और बाहर का प्लास्टर दो लेयर में 10 mm और 6 mm का होना चाहिए। ज्यादा मोटा प्लास्टर ज्यादा मजबूत नहीं होता, पर इससे प्लास्टर जल्दी अलग होने की संभावना होती है। सही से मसाले को मिक्स करना भी जरूरी है। पानी की मात्रा सीमेंट और रेत के अनुसार हो। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हिलाते रहें और 4 से 5 मिनट के अंदर प्लास्टर अच्छे से मिला लें ताकि ये सेट होना ना शुरू हो जाए। मसाला इतना ही बनाएं जो 1.5 से 2 घंटे में इस्तेमाल कर पाएं। प्लास्टर को दीवार पर लगाने से पहले दीवार को वायर ब्रश से साफ करना जरूरी है ताकि लूज मोर्टार निकल जाए और प्लास्टर को दीवार पे पकड़ मजबूत करने के लिए सही सतह मिले। और प्लास्टर लगाने से पहले दीवार पर हल्का पानी भी छिड़क ले ताकि सूखी दीवार प्लास्टर की नमी ना खींच ले। प्लास्टर लगाने के बाद कम से कम 7 दिन तक दीवार की तराई जरूरी है ताकि प्लास्टर के अंदर की नमी बनी रहे और प्लास्टर में होती केमिकल प्रक्रिया को उचित पानी मिले। इससे प्लास्टर सूखेगा नहीं और सालों साल ना सिर्फ मजबूत रहेगा पर सुंदर भी दिखेगा। सही सीमेंट और साफ रेत, सही मात्रा में जरूरत अनुसार मिक्स, साफ और एक समान सतह, सही मोटाई का प्लास्टर और 7 दिन तक तराई। ये है अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी। इसके सहयोग से अपने घर की मजबूती को दें मजबूत आधार, क्योंकि ये सजावट की नहीं आपके घर की बनावट की बात है और घर बार बार नहीं बनता है। मजबूत घर बनाने की सही सलाह के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।